आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सांची, श्रीखंड, पेड़ा, दही, छाछ, लस्सी के दाम 11 से 20% तक बढ़ा दिए हैं। नए दाम शुक्रवार से लागू हो गए हैं। सांची के सभी बूथों पर नई कीमतें लागू हैं। बढ़ती महंगाई के बाद दाम बढ़ने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सांची का 100 ग्राम का श्रीखंड जो अभी तक 25 रुपए में मिलता था वो अब 30 रुपए में मिलेगा। 75 रुपए में 200 ग्राम पनीर का पैकेट मिलता था, इस पर 5 रुपए की वृद्धि हो गई है, अब ये 80 रुपए में मिलेगा। 200 ग्राम पेड़ा वाला पैकेट अब 95 की जगह 100 रुपए में मिलेगा। दरअसल सांची ने एक महीने पहले ही दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इसमें शक्ति से लेकर गोल्ड पैकेट तक के दाम बढ़ाए गए थे। दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। अब दूध के सहायक उत्पादों के दाम बढ़ाए गए हैं। नए दाम आज से लागू हो गए हैं और दाम बढ़ने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब महंगाई तो बढ़ी रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो अब इनके भी बढ़ गए बोल सकते हैं। अब भाई हर चीज महंगी हो रही है, तो अब ये तो मजबूरी है। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और पहले पेट्रोल तेल के दाम बढ़ रहे थे और अब तो लगभग हर सामान के दाम बढ़ रहे हैं। असर तो पड़ेगा साहब, महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है, देख रहे हो आप, पेट्रोल डीजल सबके रेट बढ़ गए हैं। अब खाने पीने की चीज़ों पे अगर ऐसे रेट बढ़ेंगे तो आम जनता क्या करेगी बताओ आप। इतनी गर्मी पड़ रही है, आदमी सोचता थोड़ा मोटा पी लूँ, कुछ कर लूँ, उसके ही रेट बढ़े जा रहे हैं। इतने रेट बढ़ेंगे तो फिर क्या करेगी पब्लिक बताओ आप, तो परेशान हो रही पब्लिक। दूध के सहायक उत्पादों के दाम बढ़ाने को लेकर ये तर्क दिया जा रहा है कि गर्मियों में दूध का उत्पादन कम हो जाता है, इसकी वजह से दूध महंगे मिलते हैं। जिन उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं वो दूध से ही तैयार किए जाते हैं। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।